तो ये देखिए आज मैं बनाऊंगी मोमोज। ये देखिए मैंने करम कल्ला को इस तरह से चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च को हमने काट लिया, बारीक हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है और कुछ प्याज है। हमने तेल डाल दिया है, फिर थोड़ा सा पहले लहसुन डाल देंगे, उसके बाद अदरक डाल देंगे, हम हरी मिर्च डाल देंगे, कैप्सिकम थोड़ा सा हम चला लेंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, अच्छे से हमें डाल दिया, कम कल्ला डाल देंगे उसमें, अच्छे से मिक्स में थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, इसमें हम लाल मिर्च की बुट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम डार्क सोया सॉस डाल देंगे, 2 से 3 मिनट इसे भून के। देखिए दोस्तों ये अच्छे से हो गया, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट गैस को हम बंद कर देंगे। तो पानी में हमने हरी मिर्च लाल मिर्च डाल दिया, अब इसमें हम 4-5 टमाटर डाल देंगे मोमोज की चटनी के लिए, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मैदा ले लिया, इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम, हाथों से इस तरह से ऐसे से कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम इसका डो बना लेते हैं। दोस्तों सुनने से तो हमने इसका डो बना लिया है, हल्का करा देखिए। दोस्तों हमारी चटनी भी इधर बॉयल हो चुकी है, अब इसे बंद कर लेंगे, ठंडा हो गया सब। बड़ा लोहिया ले लिया हमने, छोटा छोटा पूरी के साइज़ का हम ढेर सारा पहले लोहिया बना लेते हैं, बेल लेते हैं, ऐसे बेल लेते हैं। तो हमने बेल लिया, थोड़ा सा बैटर इसमें हम रखेंगे, जो किनारे किनारे हम पानी लगाने हैं, साइड साइड में पानी लगा देंगे, किनारे किनारे से इस तरह से ऐसे मोड़ते जाएंगे, उसे बीच में लगा के उसे मोमोज बनाने के लिए जुगाड़ तरीका कर लिया हमने। पानी में डेगची चढ़ा लिया और ऊपर से इस कपड़े से कवर कर लिया, एक एक करके हम इसमें इस चीज़ को रख देंगे, देखिए जल्दी ये पक जाएगा। तो हमने एक तरह इतना बिछा लिया और इसे इस तरह से कवर कर लिया। तो हमारी मोमोज की चटनी भी रेडी हो गई, कितनी तीखी और स्पाइसी लग रही है। दोस्तों हमारे मोमोज भी देखिए अच्छी तरह से पक चुके, देखिए दोस्तों हमारी मोमोज जो है कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गए और इधर हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। चलिए इसे हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, दोस्तों कितना यम्मी बना है।